today we are going to discuss about morphology in flowering plant morphology and flowering plant when i am talking about flowering plant it means i am talking about angiosperms and uh, when i am talking about morphology it means we are going to discuss about stem it is woody or not about flowers their position and arrangement of leaves, root system, and flower formula. Two. We are going to discuss it in angiosperms, and we know that angiosperms is further divided into monocot and dicot. तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं root की. तो जब मैं root की बात कर रही हूँ तो root कहाँ से arise होता है? Root arise होता है radical से. मैंने बोला इन केस ऑफ डाई कोटिलीडोन्स का मतलब है कि दो कोटिलीडोन जिस पौधे में होते हैं जैसे मैं ग्राम की बात करूँ चने की मैं बात कर रही हूँ तो वो मेरा क्या है डाइकोट है और डाइकोट में जब सीड होता है तो सीड में एक पार्ट होता है रेडिकल hmm. रेडिकल होता क्या है hmm. रेडिकल वो पार्ट होता है जहाँ से सीड से जिस सीड से जिस पोजीशन से सबसे पहले कुछ पार्ट रूट लाइक स्ट्रक्चर अराइज होता है वो रेडिकल होता है अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो दीज टू आर हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल रीजन एंड ये यहाँ पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर होएगा, और ये हमारा रेडिकल होगा और इस रेडिकल से अराइज होगी रूट हाइपोकोटाइल क्या होता है हाइपोकोटाइल पार्ट होता है स्टेम का मतलब जब एम्ब्रियो फॉर्म होती है तो एम्ब्रियो से जब स्टेम अराइज होगा वहां पे लीफ के नीचे जो पार्ट होगा वो हाइपोकोटाइल होगा इससे हमारा स्टेम फॉर्म होगा ये हमारा लिफी रीजन ये हमारा रूट फॉर्म कर देगा तो इस तरह से डेवलपमेंट होती है अब मैं डाइकोट की बात कर रही हूँ तो रेडिकल से सबसे पहले कौन सी रूट अराइज होगी प्राइमरी रूट अराइज होगी अब प्राइमरी रूट की लेटरल डेवलपमेंट होगी लेटरल होती है साइड वाली डेवलपमेंट मीन्स अगर इस तरह से रूट आ रही है तो इधर अलग अलग पोजिशन पे अगर रूट की फॉर्मेशन हो रही है तो वो लेटरल ग्रोथ है तो लेटरल ग्रोथ होगी स्टार्ट ये तो हमारी होगी प्राइमरी रूट लेटर ग्रोथ फिर स्टार्ट होगी तो फिर वो प्राइमरी से सेकेंडरी रूट सिस्टम बन जाएगा टर्शरी रूट बन जाएगी हमारी और ये एक रूट सिस्टम फॉर्म कर देगा तो एंड पॉइंट पे आके ये क्या हो जाएगी टेपरिंग मतलब इसका पॉइंटेड एंड हो जाएगा डेट्स वाई हम डाई कोट में बोलते हैं कि रूट सिस्टम कैसा होता है टैप रूट सिस्टम होता है वहीं अगर मैं बात करूं मोनोकोट की मोनोकोट में अगर मैं एग्जाम्पल हूं तो किसका आता है वीट का एग्जाम्पल आता है राइस का एग्जाम्पल आता है कभी उखाड़ के देखता है वीट का राइस का जो प्लांट है तो हम क्या देखते हैं नीचे इस तरह से रूट्स होती हैं जैसे ऐसे पौधा होएगा और नीचे ऐसे फाइबर लाइक -like स्ट्रक्चर होंगे हेयर लाइक स्ट्रक्चर तो इसको हम क्या बोलते हैं फिब्रस रूट अब जो ये फिब्रस रूट होती है क्या ये रेडिकल से राइज होती है नहीं ये रेडिकल से राइज नहीं होती ये अलग रीजन से अराइज होती है ठीक है फेबरस रूट की बात करें तो फेबरस रूट कहाँ से अराइज होती है फेबरस रूट अराइज होती है स्टेम के बेस से अब ये हमें एक डायग्राम दिख रहा है एनसीआर बुक है ठीक है इलेवेंथ स्टैंडर्ड की अब इसमें हम देख रहे हैं रीजन ऑफ द रूट टिप

ऊपर uh, अगर हम जाएंगे hmm. तो उसके ऊपर प्रोलिफ्रेटिंग सेल्स होंगे मैंने वर्ड यूज किया है प्रोलिफ्रेशन hmm. प्रोलिफ्रेटिंग सेल्स प्रोलिफ्रेटिंग सेल्स का मतलब होता है जो सेल्स डिवीज़न में हो जो सेल्स मैच्योर नहीं होती डिफ्रेंशिएट hmm. होती ही नहीं है वो ठीक है अनडिफ्रेंशियटेड सेल्स जो होती हैं डिफरेंशिएट होने का मतलब क्या है अलग अलग मोर्फोलॉजिकली फंक्शनली अलग अलग हो जाना तो वो अलग अलग हुई नहीं है वो सेल्स स्टेम सेल की तरह एक्ट करती है मैंने बोला स्टेम सेल्स ठीक है मतलब ये डिवाइड होती रहेगी इस रीजन में तो इस रीजन को मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी वाला रीजन बोल देंगे अब एक बात बताओ यहां पे सेल्स जो हैं, वो डिवाइड हो रही है प्रोलिफरेटिंग सेल्स डिवाइड होके वो क्या करेंगी ग्रोथ करेंगी डिवाइड होकर डिपॉजिट होती रहेंगी होती रहेंगी और प्लांट की लोंगिट्यूडनल ग्रोथ कर देंगी लोंगिट्यूडनल मतलब लेंथ वाइज वो क्या कर देंगी उसकी ग्रोथ तो लोंगिट्यूडनल वर्ड यूज हुआ है मतलब कि लेंथ वाइज हुई है इट मींस वो इलोंगेशन कर रही है वाइज पौधे को बढ़ा रही सॉरी रूट को बढ़ा रही है तो ये हमारा कौन सा रीजन आ जाएगा रीजन ऑफ इलोंगेशन अब लेंथ भी बढ़ गई ग्रोथ भी होगी अब क्या करेंगी वो डिफ्रेंशियट हो जाएंगी डिफरेंशिएट किस में हो जाएंगी अलग अलग फंक्शनल ली वो शिएट हो गई अलग अलग फंक्शनली वो अलग अलग हो गई है उनका फंक्शन अलग हो गया है मोर्फोलॉजी अलग हो गई है और उनके जो टास्क हैं वो डिवाइड हो गई हैं तो यहाँ पे रीजन ऑफ मेच्यूरेशन आ जाएगा यहाँ पे जो एपिडर्मल सेल्स होंगी एपिडर्मल एपिडर्मल पार्ट क्या होता है जो स्किन का ऊपर वाला पार्ट होता है पौधे में एक जब आप कभी भी स्टेम निकाल लो लीफ निकाल लो स्टॉक निकाल लो कुछ भी निकालोगे उसके ऊपर जब हम निकालते हैं तो एक पोलिथीन की तरह लेयर उतरती है उसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं ठीक है अब ये जो ऊपर वाली लेयर है इस पे हेयर लाइक सेल्स ये हमें जो दिख रही है दीज आर हेयर लाइक सेल्स जो बहुत ही माइन्यूट होंगी ठीक है और इन्हीं को मैं वर्ड यूज कर रही हूं एपिडर्मल सेल्स ये क्या करेंगी ये एब्जोर्व करेंगी क्या एब्जोर्व करेंगी वोटर एब्जोर्व करेंगी तो इसलिए इसको रीजन ऑफ मेच्यूरेशन बोल दिया क्योंकि यहां पे टास्क डिवाइड हो गया सेल्स का यहाँ पे सेल्स डिवाइड हो रही थी यहां पे ग्रोथ कर रही थी और यहाँ पे आके वो मेच्योर होके अपने अपने फंक्शन को परफॉर्म कर रही हैं। ये है हमारे अलग अलग रीजन किसके रूट टिप के। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मोडिफिकेशन ऑफ रूट क्योंकि हम रूट सिस्टम पढ़ रहे हैं किसमें एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रहे हैं तो वहां पे कैसे मोडिफाई होती है रूट वैसे तो रूट का फंक्शन क्या होता है नॉर्मली हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं और जनरली सबको पता होता है कि रूट यहाँ पे वाटर एब्जॉर्बेशन का काम करती है तो जब वो वाटर को एब्जॉर्व करेगी तो वो क्या एब्जॉर्व करेगी उसके साथ मिनरल्स को भी एब्जॉर्व करेगी मिनरल्स में हमारा आयरन भी हो सकता है जिंक भी हो सकता है हमारा अमोनिया भी हो सकता है यूरिया भी हो सकता है एनीथिंग दैट प्लांट नीड वो सब वो वाटर के साथ एब्जॉर्व कर देगा बट कभी कभी जो रूट होती हैं वो यहाँ पे हमारे फूड स्टोरेज के लिए भी यूज़ होती हैं और हमारी यहाँ पे मोडिफाई होकर रेस्पिरेशन के लिए भी यूज़ होती हैं कई बार वो स्पोर्ट के लिए भी यूज़ होती हैं कई बार वो सकिंग रूट की फॉर्मेशन करती हैं ताकि वो क्या कर सकें दूसरे पौधे से अपने न्यूट्रिएंट को क्या कर सकें एब्जोर्व कर सकें तो वही हम यहाँ पे पढ़ेंगे मोडिफिकेशन ऑफ रूट्स तो रूट यहाँ पे मॉडिफाई की जाती है स्पोर्ट के लिए भी और स्टोरेज के लिए भी रेस्पिरेशन के लिए भी तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ फूड स्टोरेज की फूड स्टोरेज की तो कौन कौन सी ऐसी रूट हैं जो फूड को स्टोर करके रखती हैं टैप रूट टैप रूट हमने पढ़ ली जो टेपरिंग रूट हो किस में होगी डाइकोट के केस में तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं टैप रूट का जो फूड को स्टोर करती है कैरेट के केस में टर्निप के केस में पटेटो के केस में ये सब अपनी रूट्स को टैप रूट्स को फूड स्टोरेज की तरह यूज करते हैं अब जो ये टैप रूट है इसका फर्दर हम क्लासिफिकेशन करते हैं बेस्ड ऑन देयर शेप ऑन देयर शेप की उनकी शेप कैसी है अब ये फूड स्टोरेज वाली जो भी हमारी रूट्स होती हैं उनकी हम शेप के बेसिस पे क्लासिफिकेशन की स्टडी करेंगे कि कैसी कैसी शेप होती है इन हमारी टैप रूट्स की तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी कोनिकल रूट देखो नाम से ही हमें पता चल रहा है कोनिकल रूट का मतलब क्या है कौन शेप्ट। कौन शेप्ट कैसी होगी हमारी ऊपर से ब्रॉड और नीचे से टैपरिंग पॉइंटेड ये कोन बन गया हमारा जैसे लट्टू होता है उस तरह से तो हम आ, यहाँ पे बट लट्टू नहीं होगा ये बीच से वो हमारी क्या होगी ब्रोड uh, होगी बेस से और अपेक्स पे अपेक्स यही बोला मैंने ब्रोड होगी बेस से और हमारी अपेक्स पे एपिकल रीजन पे क्या होगी वो टेपरिंग होगी तो जैसे कैरेट हमारी होती है कैरेट इसका एग्जांपल है कोनिकल रूट का सेकेंड होती है हमारी फ्यूजीफोम रूट फ्यूजी फोम रूट का मतलब क्या है फ्यूज फ्यूज हो रखी है फ्यूज हो रखी है नाम से पता चल रहा है मतलब की जैसे हमारी रेडिस के केस में होती है आगे से पीछे से टेपरिंग और बीच से स्वोलन रीजन रेडिस के केस, केस होगी और हमारी होगी नेपी फोम रूट नेपी फोम रूट कैसी होगी जैसे हमारी बेस से पॉइंटेड एंड दूसरे पोर्शन से वो होगी हमारी ब्रॉड मतलब जैसे हमारी टर्निप की शेप होती है एग्जैक्टली सिमिलर शेप फिर एक आती है हमारी ट्यूबरस रूट ट्यूबरस रूट में कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती है बट वहाँ पे थिक और फ्लैसी रीजन प्रेजेंट होता है जैसे हम किस में देखते हैं स्वीट पोटैटो में देखते हैं स्वीट पोटैटो में क्या होता है ऐसी भी हो जाती है शेप ठीक है इस तरह से भी हो जाती है शेप अलग अलग तरह की शेप होती हैं बस वो थिक होती है और फ्लैशी मतलब ईटिंग पार्ट होता है अब मैं बात करूँ रेस्पिरेशन के केस में तो रेस्पिरेशन के केस में जो रूट्स होती है वो बेसिकली हेलोफाइट्स में होती है हेलोफाइट्स जो स्वेम्पी एरिया में हमारे पौधे मिलते हैं पी एरिया में हमारे जो पौधे होंगे जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे राइजोफोरा का राइजोफोरा में जो रूट्स होती हैं उसमें लेंटिकल्स की डिफॉर्मेशन हो जाती है और वो जो लेंटिकल्स निकलते हैं उन पे माइन्यूट पोर्स होते हैं छोटे छोटे पोर होते हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं अब हम बात करते हैं नोडुलेटेड रूट्स की नोडुल से आप क्या समझते हैं नोड्यूल मतलब इस तरह से जब कोई स्ट्रक्चर बन जाए नोड्यूल की फॉर्मेशन हो जाए रूट्स में तो उसको हम क्या बोलेंगे नोडुलेटेड रूट अब ये नोड्यूल क्यों बनता है ये इन्फेक्शन की वजह से बनता है अब वो इन्फेक्शन कौन करेगा रूट में बैक्टीरिया करेगा कौन सा बैक्टीरिया करेगा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया करेगा जो नाइट्रोजन को एटमोर एटमोस्फियर से नाइट्राइट या फिर नाइट्रेट की फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दें और फिर उससे अमोनिया की फॉर्मेशन कर दें क्योंकि इसी फॉर्म में क्या करेगा हमारा प्लांट नाइट्रोजन को एब्जॉर्व कर पाएगा इसी को बोलते है नाइट्रोजन हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन तो अब नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन से होते हैं राइजोबियम मेनली जो हम स्टडी करते हैं तो अब ये राइजोबियम किसकी रूट्स को रूट्स को इन्फेक्ट करता है और नोडुल्स की फॉर्मेशन करता है लेग्यूमिनस प्लांट्स में लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं जो लेग्यूम की फॉर्मेशन करते हैं जैसे हमारे यहाँ पे पल्सिस के जो प्लांट्स होते हैं दालों के जो पौधे होते हैं जैसे मूंग है उनमें राइजोबियम इन्फेक्ट करता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है और नूडुल्स की फॉर्मेशन करता है तो यहाँ पे ये यह नूडलेटेड रूट प्लांट को कैसे बेनिफिट कर रही है उसको अमोनिया प्रोवाइड कर रही है उसको फर्टिलाइजर फॉर्म करने में हेल्प कर रही है अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे एडवेंटिशियस रूट की कि हमारी एडवेंटिशियस रूट कैसे मोडिफाई होती है तो मोडिफिकेशन ऑफ एडवेंटेशियस रूट तो सबसे पहले मैं बात करूं फिर से फूड स्टोरेज की बात करते हैं तो फूड स्टोरेज मैंने अभी बात की थी टैप रूट सिस्टम ट्यूबरस रूट भी हमारी होती है ट्यूबरस रूट कौन सी जो फ्लैसी होती है थिक होती है एग्जाम्पल मैंने लिया यहाँ पे स्वीट पटेटो का ठीक है और नोडुलस रूट जो नोडुल की फॉर्मेशन करेंगी वो हमारा एग्जाम्पल है जिंजर का अब कुछ होंगी हमारी फेसिक्यूलेटेड रूट्स फेसिक्यूलेटेड ट्यूबरस रूट फेसिक्यूलेटेड ट्यूबरस रूट क्या होती है वो वो होती हैं जिसमें एडवेंटिशियस रूट क्लस्टर की फॉर्मेशन कर दें जैसे डालिया का जो पौधा होता है उसमें हमारी फेसिकुलेटेड ट्यूबरस रूट होती है एक होती है हमारी फेरस सॉरी मोनेली फोम रूट मोनेली फोम रूट किसमें होगी जिसमें हमारी स्वोलन रूट होंगी और बहुत ही कॉन्स्ट्रिक्टेड रूट होंगे जैसे ग्रासेस के केस में आपने देखा होगा ऐसे ऐसे बहुत ही कॉन्स्ट्रिक्टेड रूट्स होती हैं और ऐसे थोड़ी सी वो वोलन होती है इस तरह की रूट होती है तो ये किस में होंगी ग्रासेस में होंगी एक होती है हमारी एन्यूलेटेड रूट्स रूट्स कैसी होती हैं ये डिस्क इस तरह से होती है जैसे डिस्क प्लेस कर रखी है एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रूट्स एपे एपिकैक में होती है ये और हम इसको देख सकते हैं जैसे इंसुलिन प्लांट्स में भी हम इसको देख सकते हैं स्पोर्ट के लिए फॉर स्पोर्ट स्पोर्ट के लिए कैसी हमारी एडवेंटेश रूट मोडिफाई होती है सबसे पहले अगर मैं बात करूं हमारा बहुत कॉमन सा एग्जांपल है प्रोप रूट का प्रोप रूट आपने देखी होगी बैनियन ट्री में बैनियन ट्री में क्या देखा आपने ऐसे ब्रांचेस निकली हुई है ये हमारा पौधा होगा और यहाँ पे ऐसे उसकी टहनियाँ निकली होंगी और उससे रूट हमारी नीचे की तरफ ग्रो करती है तो ये किससे ब्रांचेस से बेनियन ब्रांचे में ब्रांचेस से डेवलप करती है हमारी रूट और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हैंग करती है और ग्राउंड को पेनिट्रेट कर जाती है और मिट्टी में दबके स्पोर्ट का, का काम करती है तो इसको हम प्रोप रूट बोलते हैं सेकंड होती है हमारी स्टिल्ट रूट स्टील रूट हमारी ऐसे शुगर केन होता है इस तरह से होता है शुगर केन अब शुगर केन की जो नोड्स होती हैं यहाँ पे वो नोट्स नीचे की तरफ ग्रो कर जाती हैं और हमारे शुगर केन को स्पोर्ट का, का काम करती हैं। तो इनको क्या बोलते हैं बेसल नोड से जो लोवर नोड होंगी उनसे अराइज करना रूट को और हमारे पेनीटेट कर जाना सोइल को और फंक्शन क्या परफॉर्म करेंगी स्पोर्ट का स्पोर्ट प्रोवाइड करेंगे शुगर की इनको तो इनको बोलते हैं स्टिल्ट रूट फिर होती है हमारी क्लाइंबिंग रूट क्लाइंबिंग रूट में क्या होता है क्लाइंबिंग रूट में टेंड्रिल्स निकलते हैं हमने देखा होगा आप सबके घर में मनी प्लांट होगा जिसमें हमारा ऐसे लीफ होता है और उससे उसका जो ये नोडिंग पार्ट होता है सेकंड जब हमारा लीफ नोड निकलता है तो यहां से हमारे रेंटिकल्स निकलते हैं और वो स्पोर्ट को बाइंड कर लेते हैं तो ये टेंड्रिल क्लाइंबिंग रूट है हमारी बट्रेस रूट बटरेस रूट का क्या काम है बट्रेस रूट वर्टिकली इलोंगेटेड जैसे हमारा बेम्बू प्लांट होता है बोमबैक्स होता है हुँ. उनके केस में ये निकलती हैं और स्पोर्ट प्रोवाइड करती है पर ये बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है ठीक है अब नेक्स्ट है हमारी एपी फाइटिक रूट एपिफाइटिक रूट क्या करती हैं? ये एरियल रूट है एरियल मैंने बोला तो मतलब ऊपर वाले पोर्शन पे प्रेजेंट होंगी ये रूट हैंगिंग होंगी मतलब लटकी हुई होंगी स्पंजी होती हैं स्पोर्स होते हैं इनके अंदर और ये क्या करती हैं जो भी एटमोस्फियर में मोइस्चर होता है उस मोइस्चर को एब्सोर्व कर लेती हैं अब उस मॉइस्चर को एब्सोर्व करने के लिए इनके अंदर एक स्पंजी टिश्यू होता है और उस स्पंजी टिश्यू को हम बोलते हैं वेलेनम सॉरी वेलेम बोलते हैं और आ, ये उसको क्या प्रोवाइड करता है मॉइस्चर भी प्रोवाइड करता है और ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है नेक्स्ट है हमारी सकिंग सकिंग रूट रूट किस पर्पस के लिए चाहिए जैसे आपने यहाँ पे क्यूस क्यूटा पड़ा होगा अमरबेल ठीक है अमरबेल वो हमारा क्या होता है पैरासाइट होता है पैरासिटिक प्लांट होता है तो जो भी पैरासिटिक प्लांट होते हैं उनके केस में इन सकिंग रूट प्रेजेंट होते हैं इनको पैरासिटिक रूट भी बोल देते हैं होस्ट एरिया भी होस्ट और भी बोल देते हैं ये क्या करती है <coughs> जो हमारा पौधा होगा जो पैरासिटिक प्लांट होगा उसकी नोड्स में इंटरनोट्स में ये होता है रीजन इंटरनोट्स का नोड्स का यहां से क्या निकलता है एक माइक्रोस्कोपिक हेयर लाइक प्रोजेक्शन निकलते हैं ठीक है और वो जो पौधा होगा जो वुडी स्टेम होगा उसको पेनिट्रेट कर जाएंगे और उसके जो कंडक्टिंग यहाँ पे क्या होंगे टिश्यू होंगे कंडक्टिंग टिश्यू क्या होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम होता है तो उनको क्या कर लेते हैं वो पेनिट्रेट कर लेते हैं और वहां से यहाँ पे जो फ्लोएम होगा वो उनको फूड प्रोवाइड करेगा तो उससे वो फूड को सक कर लेते हैं इन माइक्रोस्कोपिक लाइक प्रोजेक्शन -like के थ्रू तो ये सकिंग रूट होती है अब फ्लोटिंग रूट की बात करते हैं फ्लोटिंग रूट्स जो हमारे हाइड्रोफाइट्स में होती हैं हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं जो वाटर लिविंग प्लांट्स होते हैं उनमें जैसे जूश जूशियाई यहाँ पे एक प्लांट है जिसमें स्पंजी रूट होती हैं वैसे ये अगर आपने कभी पोंड में इनको फैला देखा होगा तो ये हमें ऐसे देखेंगे जैसे कॉटन बॉल्स होती हैं उस तरह से और ये स्पोर्ट भी प्रोवाइड फ्लोट करवाएंगी प्लांट को और ड्राई होके पानी को बाहर फेंक देंगी और ऑक्सीजन को एब्जोर्व कर लेंगी तो ये होती है हमारी फ्लोटिंग रूट्स एक होती है हमारी एसीमिलेटरी रूट्स एसिमिलेटरी रूट्स क्या करती हैं एसिमिलेशन का काम करेंगी तो जब भी पौधे को जैसे बारिश के टाइम पे पौधे को कम सनलाइट मिल रही है उस टाइम पे इन इंटरनोड से अराइज होगा एक प्रोजेक्शन और वो सन में एक्सपोज होके क्या करेगा फूड की सिंथेसिस करेगा मतलब फोटोसिंथेसिस में मेजर रोल प्ले करती हैं और किस में प्रेजेंट होती हैं ये ये टाइनोसपोरा में प्रेजेंट होती हैं फिर हमारी सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा स्टडी की जाने वाली रूट होती है माइक्रोराइजल रूट जिसमें क्या होता है जो भी हमारे जिम्नोस्पम्प्स होते हैं जिम्नोस्पम्प्स जो प्लांट्स होते हैं जिसमें हमारे कॉनिफर्स आ गए पाइनस आ गए ऑर्चिड्स आ गए ठीक है और ऑर्चिड्स आ गए हैं हमारे पाइनस आ गए हैं इनकी रूट्स में क्या होती है फंगस ग्रो कर जाती है और वो फंगस न्यूट्रीन प्रोवाइड करती है प्लांट को और प्लांट से वो शेल्टर लेती है इसको बोलते हैं हम माइक्रोराइजर रूट और ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है सिम्बायोटिक मतलब सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब है फंगस को भी बेनिफिट हो रहा है और प्लांट को भी बेनिफिट हो रहा है प्लांट को कैसे प्लांट को ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है और खुद उससे क्या ले रही है शेल्टर ले रही है अब रिप्रोडक्टिव रूट की बात करें तो रिप्रोडक्टिव रूट जैसे पटेटो में हो गई ठीक है पटेटो में क्या होती है छोटी छोटी ट्यूबरस निकल जाती हैं और पटेटो के स्टेम्स को हम कट करके लगाएंगे तो बहुत सारे उससे पटेटोज आएंगे तो इस तरह रिप्रोडक्शन में काम करती है निमेटोफोरा तो वही राइजोफोरा की जब हम बात कर रहे थे तो राइजोफोरा में वही रेस्पिरेशन के लिए रूट होती हैं वर्टिकली अपड डायरेक्शन में ग्रो कर जाती हैं वो रूट्स और ये जो राइजोफोरा है वो मोस्टली स्वेम्पी एरिया में दलदली रीजन में मिलता है जहाँ पे उसको जमीन से कम ऑक्सीजन मिल पाती है तो वो ऊपर की तरफ ऐसे ग्रो कर जाते हैं ठीक है और एटमोसफियर से वो मॉइस्चर और वो लेते हैं ऑक्सीजन